ये मौत बेहद अननेसेसरी थी, इसको होने से बचाया जा सकता था। लेकिन नोएडा अथॉरिटी जो कानूनन जिम्मेदार है सड़क पे निराश्रित कुत्तों की नसबंदी करने के लिए, उन्होंने अभी तक अपने इस कार्य को ढंग से नहीं किया है। पिछले 3 साल से हम नोएडा अथॉरिटी की सीईओ को बार बार पत्र के माध्यम से, शिकायतों के माध्यम से बता रहे हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम वो जो सेक्टर 94 के शेल्टर में चला रहे हैं वो करप्शन से लिप्त है, और ढंग से कुत्तों की नसबंदी होना तो दूर, उनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे छोड़ा जा रहा है जिससे कि वो और आक्रामक हो रहे हैं और इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। नोएडा की जो बात है, जो नोएडा की घटना सामने आई है, सबसे पहले मैं इसके अंदर ये कहूंगा कि पहली बात तो इसकी कोई वीडियो फुटेज सामने आनी चाहिए। अगर कोई वीडियो फुटेज है तो मीडिया के माध्यम से उसको सार्वजनिक करा जाए। कोई सीसीटीवी की फुटेज तो होगी क्योंकि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वो भी अभी तक नहीं आई है। दूसरी बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार आ जाए जिससे सारा खुलासा हो सके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसके अंदर नहीं आई है। तीसरी और मेन बात है कि कोई भी जो प्रत्यक्षदर्शी हो, जो जिसने मौके पर देखा हो, वो कहां है। अगर वो कोई है तो वो सामने आए, और अगर वो कोई था तो उसने बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी। ये सारा का सारा प्रोपागंडा जो मचाया जा रहा है, देखिए ये सारा जब आरडब्ल्यूए के एओए के चुनाव होते हैं तब ये मामले गर्मा जाते हैं। बच्ची की मौत हुई है उससे मुझे बहुत ज्यादा संवेदना है, लेकिन सबसे पहले देखिए उसके जो फैक्ट्स, जो तथ्य हैं वो सामने जरूर आने चाहिए। देखो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ कि ऐसे मौत हो गई बच्चे की, बट किसी ने देखा कुत्तों ने मारा है बच्चे को, क्या किया है उससे पहले कुत्तों को मारा गया, किसी को पता है, कोई प्रूफ है, कोई सीसीटीवी फुटेज है। चलो मान भी ले कि एक कुत्ते ने या दो कुत्तों ने बच्चों को मार दिया, इसका ये मतलब नहीं है सारे कुत्ते ऐसे हैं। ऐसे तो हम इंसान को भी कह सकते हैं, इंसान ने मर्डर रेप किया तो सारे इंसान ऐसे हैं। अब क्या हुआ क्या किसी को पता ही नहीं है, बट ये आ गया कुत्ते का कहर आ गया। कहाँ थे लोग जब कुत्ता मार रहा था बच्चे को, तब कोई आसपास नहीं था। अगर कह रहे हैं कि लेबर का बच्चा था, लेबर कहाँ थी, उसने ऐसे ही अपने बच्चे को दूर छोड़ दिया वहाँ पे, ये भी तो सोचा जा सकता है ना कि क्या हुआ बच्चे के साथ। वो तो कोई बोल नहीं रहा, बस इतना न्यूज में आ गया कि कुत्ते ने बच्चे को मार दिया, इसका ये मतलब नहीं है सारे कुत्ते बुरे हैं।